नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है लेट्स इनसाइड में। मेरा नाम है विजय सर और आज हम इस वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में भी फिलहाल दो वीडियो है और पहला वीडियो आपके सामने है। इस पहले वीडियो में और दूसरे वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम टच सेंसर बना सकते हैं। तो उसके लिए मैंने पहले वीडियो में लिया हुआ है ट्रांजिस्टर और इस ट्रांजिस्टर में हम LED कनेक्ट करेंगे। ट्रांजिस्टर के जो कलेक्टर पिन है उसमें हम LED का नेगेटिव पिन को सोल्डर कर देंगे और उसके बाद में हम 1K ohm रजिस्टर लेंगे जो कि हम LED के पॉजिटिव लेग में इसको कनेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हमको कॉपर के वायर लेना है। इसमें अपने को हमको ये ध्यान रखना है कि ये इंसुलेटेड कॉपर वायर नहीं होना चाहिए। यही कॉपर वायर हमारे टच सेंसर का काम करेंगे। जब हम इसको टच करेंगे तो हमारी LED जलेगी और जो ईमीटर रहता है जिसका ट्रांजिस्टर का तीसरा वाला लेग, इसमें हम नेगेटिव वायर कनेक्ट करेंगे जो कि इसको हम पावर सप्लाई देंगे 9 वोल्ट बैटरी से, और पॉजिटिव वाला वायर हम डायरेक्ट रजिस्टर में कनेक्ट कर लेंगे और 9 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट करके हम देखेंगे कि हमारा सेंसर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो जो हमने जो कॉपर के वायर लिए थे हम दोनों को टच करेंगे एक साथ तो हमारी LED जलेगी। पर यह है कि जब तक इसमें हम टच करके रखेंगे जब तक LED जलेगी, जैसे ही हम उसमें से उसको टच नहीं करेंगे तो बंद हो जाएगी। और अब ये दूसरा वीडियो है, इसमें हम 555 IC का यूज़ करेंगे और उस प्रकार से उसका आप चार्ट में देख रहे हो 555 IC की जो 8 पिनें हैं उसके बारे में डिटेल दी हुई है। तो आगे की वीडियो में आपको उसको डिटेल में बताऊंगा कि आपको कौन सी पिन का वायर कहाँ कनेक्ट करना है। और इसमें ऑन ऑफ करने का स्विच पूरा रहेगा, टच करने पर एक ऑन तरफ का स्विच रहेगा और एक ऑफ तरफ का रहेगा। ये हमारी 555 IC है, आप देख सकते हैं इसमें IC में एक साइड थोड़ा सा ऐसा गड्ढा जैसा बना हुआ दिख रहा है आपको। तो उसी और चार्ट में भी आपने देखा था कि उसमें एक साइड से एक रिंग बनी थी हाफ रिंग, तो उस प्रकार से रहेगा। ये जैसे IC का हम जिसमें सोल्डर कर रहे हैं ये पिन नंबर 4 है और दूसरी तरफ जो हम सोल्डर कर रहे हैं पिन नंबर 8 है। तो ये दोनों पिन को आपस में कनेक्ट करना है तो उसके लिए हम कॉपर वायर का यूज़ करते हैं। ये कॉपर वायर भी इंसुलेटेड नहीं है और जो हमने पिन नंबर 4 में कनेक्ट कर लिया पिन नंबर 8 में कनेक्ट करते हैं। ये कनेक्ट कर लिया और एक्स्ट्रा वायर आप चाहे तो उसको कट कर सकते हो, नहीं तो बाद में तकलीफ देगा। ये हमको इसमें देखना है कि कोई सी भी पिन आपस में शॉर्ट नहीं होना चाहिए। इसके बाद हमको पिन नंबर 3 में LED कनेक्ट करना है। LED का पॉजिटिव लेग वाला कनेक्ट करना है, जो LED की पॉजिटिव पिन है उसको पिन नंबर 3 जो 555 IC उसमें कनेक्ट करना है। इसके बाद हम 220 ohm रजिस्टर लेंगे। रजिस्टर का एक पिन हमको LED से कनेक्ट करना है जो कि नेगेटिव जिसकी पिन है LED की उस पर, और IC के पहले नंबर के पिन पे हमको रजिस्टर की पहली रजिस्टर का एक पिन जोड़ना है। ये इस प्रकार से कनेक्ट हो चुका है। इसके बाद हम पिन नंबर 2 में हम कॉपर वायर ऐड करेंगे जो कि हमारा स्विच के तौर पे काम करने वाला है। ये दोनों वायर जिसको टच करने पर ये ऑन ऑफ होगा, तो ये एक तरफ का स्विच बना है ऑन करने का। अब हमें ऑफ करने का स्विच भी बनाना है तो उस साइड भी हमें कॉपर वायर कनेक्ट करना पड़ेंगे। तो इस साइड हमें पिन नंबर 6 में और पिन नंबर 8 में कॉपर वायर को सोल्डर करना है। तो इस प्रकार से हमारे दोनों स्विच तैयार हो चुके हैं। एक साइड आप टच करोगे तो LED ऑन हो जाएगी, दूसरे साइड टच करोगे तो LED ऑफ हो जाएगी। अब हमको इसमें पावर सप्लाई देना है, इसके लिए हमने 6 वोल्ट की बैटरी का यूज़ किया हुआ है और इसमें आप पावर सप्लाई के प्लस और माइनस वाले वायर आप कहाँ सोल्डर करोगे, तो जो IC की पिन नंबर 8 में पॉजिटिव वायर जोड़ेंगे और IC की पिन नंबर 1 में नेगेटिव वायर जोड़ेंगे। अब हम इसे बैटरी से कनेक्ट कर देंगे और अब हम चेक करेंगे कि हमारा ये सर्किट काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हमने इसको 6 वोल्ट बैटरी पे कनेक्ट कर दिया और यह सेंसर टच करने पर यदि आपने ऑन करा है तो ऑन ही रहेगा और जब तक आप ऑफ नहीं करोगे तो ऑफ नहीं होगा। इसके पहले वाले वीडियो में सिर्फ टच करने पर ऑन होता था, जैसे टच हाथ हटाते थे तो वो वापस ऑफ हो जाता था, इसमें ऐसा सिस्टम नहीं। तो ये हमारा वीडियो बन चुका है। आप यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए। यदि चैनल पे आप नए नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आपको इस वीडियो के बारे में कुछ पूछना हो या चैनल के अन्य दूसरे वीडियो के बारे में कुछ पूछना हो तो कमेंट में आप
मुझसे पूछ सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।